प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माढ़ा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पंजा जनता का पैसा लूटता था और आज जनता का पैसा महफूज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को पानी तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई वो मोदी ने 10 साल में करके दिखा दिया है। महाराष्ट्र के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है। साथियों, पहले दिल्ली से किसान के नाम पर थोड़ा भी पैसा निकलता था तो यहां कांग्रेस का पंजा उसे लूट लेता था, लेकिन अब दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है, अब दिल्ली से आपके हक की निकली पाई पाई आपके खाते में पहुंचती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हुए हैं। 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते ना, और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय, लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है।